नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। हम हैं गुंडवाड़ा में, एक कृषि बेरा है जहां पर भागीदार जो हैं जो ठेके पर खेती करते हैं, उन लोगों ने बताया कि हमारे जो खेत ठेके पर लिया हुआ है उसके पास में जो 11,000 केवी का जो वोल्टेज है वो उसका वायर एकदम नीचे जा रहा है। एक मिनट जरा भाई साहब, आपका मेरा नाम गोकुल कुमार भी। गोकुल भाई, हाँ। गोकुल भाई, ये जो कनेक्शन जा रहा है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये कितने वोल्टेज की वायरिंग है? 11,000 केवी की लाइन है जो गुंडवाड़ा से आती है और फतेहपुरा जाती है। अब एक बार बताओ कितनी नीचे है? आप देख सकते हैं ये जैसे ये एक लड़की खड़ी है, अगर वो हाथ देखे तो उसका हाथ ऊपर लग सकता है। इतनी नीचे है, मतलब यहाँ से लोग नीचे होके दूसरे खेत में जो जाना है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और ये यहाँ पर खेती करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो खेत है चना बोया है और ये ठेके पे लिया हुआ है। हालांकि इनका बेरा उनके पास में ही है, दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं, ये इस तरफ इनका बेरा है। आप कुछ कहना चाहते हैं विद्युत विभाग से? हम कहना चाहते हैं कि सर जी, उसको जल्दी से जल्दी ऊपर करवाया जाए, नहीं तो ताकि हम रात को जाते हैं तो कभी लाइन के नीचे आ जाए और लाइन के चपेट में आ जाए और हम मृत्यु हो जाए। अच्छा, नहीं अगर ये यहाँ पर बीच का जो गैप ज़्यादा दिख रहा है और इस गैप की वजह से अगर खंभा लगा दिया जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा सर। ये इस जगह पे तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि अगर खंभा लग जाए। विद्युत विभाग से शिकायत या लिखित शिकायत या मौखिक शिकायत की है? हमने कई बार व्हाट्सअप भी की, उन्होंने बताया कि शिकायत की तो हमने कई बार व्हाट्सअप भी कर दी, परंतु आ रहे हैं ऐसे बोल के कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? अमृत भाई, बताओ ये कितने टाइम से और ठेके पर कब लिया आपने? ये 3 वर्ष। 3 साल से आप ठेका चलाते हैं और ये 3 साल से वायर नीचे हैं। आपने शिकायत वगैरह की किसी को? कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, कितने नीचे वायर आपको दिख रहे होंगे पीछे? इन्होंने सूचना के लिए लाल कपड़ा लगा रखा है और ये कपड़ा शायद आप लोगों ने ही लगाया? मैंने नहीं लगाया सर, ऊँट अलग था, वो आता था तो ऊँट नीचे होकर नहीं निकल पाती थी, उनको करंट आता था ऊँटों को, इसलिए उसने लगाया। आसुराम रबारी गुंडवाड़ा का है। अच्छा, वो यहाँ पे ऊँट पालक यहाँ कुछ दिन बैठे होंगे? हाँ, गर्मियों के समय वो आते हैं ये चारने के लिए और उसने बांधे थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है अपने स्तर पर, लेकिन प्रशासन या विद्युत विभाग की तरफ से कोई नई कार्रवाई हो रही है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई की जाए और इस वायर को दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।